भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिकाबगंज मोहल्ले के विख्यात ब्राउन शुगर के थोक विक्रेता ऋषि कुमार द्वारा बांका तथा भागलपुर के ब्राउन शुगर विक्रेताओं के साथ खरीद बिक्री का कारोबार ततारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिकाबगंज मैदान में किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर ततारपुर थाना पुलिस बल ने छापेमारी के द्वारा 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है एवं ब्राउन शुगर, रुपये और मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए हैं। सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में ऋषि कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद सफी खान, मोहम्मद प्रिंस, बिहारी यादव, गौरव कुमार और अविनाश कुमार हैं। बरामदगी सामान में ब्राउन शुगर 140 ग्राम, नगद 35,820 रुपये, 11 पीस मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और लाइटर भी बरामद हुए हैं। वहीं बिहारी यादव और ऋषि कुमार सिंह का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। जब्त किए गए ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत पुलिस के अनुसार 2,00,000 रुपये हो सकती है। ततारपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार झा ने अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैदी दिखाते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शाम में ततारपुर थाना एरिया में एक सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर का एक बड़ा विक्रेता है और वो ब्राउन शुगर लेकर बेचने की फिराक में है। तत्काल SP City और थाना अध्यक्ष ततारपुर नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से इनका जो मुख्य लीडर है ऋषि कुमार सिंह, ये बाहर से ब्राउन शुगर लेकर आता है और यहाँ के जो लोकल सेलर हैं उनको बेचता है और वो अपने मोहल्ले में जाकर बेचते हैं। सभी 7 जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से अभी तक 4 लोगों का आपराधिक इतिहास प्राप्त किया गया है। बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास भी प्राप्त किया जा रहा है। पहले भी ये लोग ब्राउन शुगर बेचने के आरोप में जेल जा चुके हैं। ऋषि कुमार सिंह जो मुख्य सरगना है वो 21 दिसंबर को ही जेल से छोड़कर बेल पे आया था, इसको फिर से पकड़ा गया है और इनके पास से करीब 140 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत 2,00,000 बताई जा रही है। इसके अलावा इनके पास से 35,820 रुपये मिले हैं। इनके पास से 2 वेट मशीन भी मिला है जिसको ये लोग ब्राउन शुगर तौलने के लिए यूज करते थे। 10 पीस लाइटर, 2 पर्स, 3 मोटरसाइकिल और 11 पीस कीमती मोबाइल मिले हैं। छापेमारी टीम के जितने भी सदस्य रात भर उन्होंने छापेमारी की है और सभी की गिरफ्तारी है, सभी इतना सारा सामान बरामद हुआ है, इसके लिए हम लोग रिवार्ड का अनुशंसा बड़ी स्तर पर करेंगे। इंट्रोगेशन हुआ है और पता किया जा रहा है कि ये लोग कहाँ से लेकर आए थे, खासकर जो ऋषि कुमार सिंह है और इसका जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, कई नेटवर्क अब तक पर्दाफाश हुआ और कई हैं अभी शहर में, उसके लिए क्या कुछ प्रशासन करेगी? पुलिस लगातार काम करते रही है। जैसा पता है कि हमारे जो मुख्य प्रभावित क्षेत्र शहरी इलाका है, इशाकचक, ततारपुर, मुजाहिदपुर, इन एरिया में लगातार कार्रवाई होती रही है और काफी गिरफ्तारी भी हुई है और लगातार हम लोग स्मैक के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं, नशा और शराब के खिलाफ।